हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जर्नी टू मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक ऑन अर्थ। अरे बाप रे, डेंजरस रेलवे ट्रैक? या मतलब कोई ऊंचाई से जा रहा होगा या काफी नैरो गेज होगी जो हिल से निकलती है, तो और उसमें स्पीड भी बहुत कम। मैं गया हुआ हूँ कुछ ऐसी ट्रेन्स में, ब्रिजेस की बात नहीं कर रहा, जहां पे नैरो गेज होती है और वो काफी नैरो एरिया से जाती है, वहां पे जो है ट्रेन की स्पीड बहुत ही कम कर देते हैं जिसे आराम से जा सके। अगर आप तेज जाएंगे तो हिल से नैरो गेज हो जाती है, गिर सकती है। तो मेरे ख्याल से वैसा होगा। और अगर आप बात करें ब्रिजेस की, वो बात अलग है कि ब्रिज ऊपर है उसमें ज्यादा होता नहीं, अगर स्टडी स्ट्रांग ब्रिज है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर जो टर्न्स करती है हिल्स में ट्रेन नैरो गेज वाली तो काफी डेंजरस होता है। चलो भाई, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो देखते हैं। मेरे लिए तो बहुत मजेदार होने वाला है, और अगर आपने भी नहीं देखा तो आपके लिए भी बड़ा मजेदार होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे मुझे याद आया, आप में से कईयों ने पता है ये लिखा था कि मैम मैं सब्सक्राइब कर, आप रोज बोलते हो ना कि सब्सक्राइब करने को, तो मैंने पहले ही सब्सक्राइब किया था, तो फिर क्या करता हूँ, पहले अनसब्सक्राइब कर देता हूँ फिर सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो हर बार आप जब बोलते हैं मैं अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करता हूँ, तो कमाल है जी, वाह क्या बात है। तो फ्रेंड्स, ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, पहले अनसब्सक्राइब कर दो फिर सब्सक्राइब कर दो, हर बार जब हम ये वीडियो में बोलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अगर नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है और ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट, उस सब की डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको वो भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी? सो आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज, पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज जो कि इंडिया की पहली सी ब्रिज है, मतलब समंदर पे बना ब्रिज, इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1914, और पहले इस पे मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, और अभी फिलहाल इस पे ब्रॉड गेज की ट्रेन चलती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 2.3 किलोमीटर लंबा है, और इसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ ये ब्रिज है। और आज हम लोग ट्रेन नंबर 08495 रामेश्वरम भुवनेश्वर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से पम्बन ब्रिज को कवर करने वाले हैं। अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं, मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन सिर्फ संडे को 8:50 पे रामेश्वरम से निकलती है, और आपको दूसरे दिन शाम 6:10 में भुवनेश्वर पहुंचाती है। और हाँ जी, कल इवनिंग में भी मैं गया था पम्बन ब्रिज आप सभी के लिए एक यूनिक सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए, और वो बन चुका है ऑलरेडी, तो उस क्लिप को मैं इसी जर्नी में ऐड करूंगा, बिल्कुल यूनिक है, तो कंटेंट को शेयर जरूर कीजिए। तो अपनी यादगार जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, अपनी गाड़ी रामेश्वरम से निकल चुकी है, खाली है, स्टेशन भी खाली है, अभी यहाँ से शुरू हो रहा नहीं है। ये तो स्पेशल ट्रेन है जो कह रहे हैं वीक में एक बार चलती है, सिर्फ एक ही दिन, सुबह और अगले दिन। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल करीब आ चुके हैं पम्बन ब्रिज में, और ट्रेन की रफ्तार 8:10 पे फिक्स कर दी गई है, कोई भी ट्रेन इस पे इसी स्पीड से क्रॉस करती है, और बस वो घड़ी आ गई है, तो अंदर तो चले जाओ, घड़ी खत्म, तैयार हो जाइए। बाप रे, बिल्कुल एज पे है, नहीं अब नीचे कूदो सीधा पानी में। डर लगता होगा, हिल भी रही है ऐसे ऐसे, डर लगता होगा कि ऐसे हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ, जिसमें मैं था वो हिल्स वाली थी, बाहर कूदो सीधा खाई में, तो सभी डेंजरस ऐसी होती हैं। किसने कहा था जाने को, नहीं जाना चाहिए था, बहुत ही पूरी एज पर है ये, तो मुझे लगा है बाहर निकल के खड़े हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अरे बाप रे, अब तो डीप वाटर होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि जो शोर में होता है कि भैया पानी भी ज्यादा होगा पूरा बीच के अंदर, तो डर लग रहा है। और उसके साथ जो लोहे देखा है कैसे पतले पतले से लग रहे हैं, वो अगर सेफ नहीं होता तो पूरी ट्रेन जाती है। बहुत अच्छी तरह बनाया होगा उन्होंने, ये कोई देर वाली ऐसी बात नहीं है कि भाई गवर्नमेंट, डर तो लगता ही है, मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं, कैमरे से कुछ हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है
अलाउ करेगी नहीं, पर फिर भी सेफ है। नहीं, पर फिर भी डर लगता है कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई बंदा फिसल के गिर सकता है। नहीं, ट्रेन में भी कुछ हो सकता है। ये देखो, मैं यहाँ से खड़े हैं, चेकिंग करते रहते होंगे, ऐसा लग रहा है जब कोई बड़ी जहाज आती है तो फिर इस पार्ट को खोल दिया जाता है। वही ट्रेन है की कोई और ट्रेन दिखा रही है? दिखा रही है ट्रेन पास तो एक ही आती है। दूसरे दिन आके है तो डरा तो कुछ ये वो क्यों नहीं बनाया इन्होंने साथ में कुछ ऐसे खड़ा कर देते ताकि सेफ लगती, इन्होंने क्यों नहीं किया, बना नहीं पाए तो पानी के पास बाहर दरवाजे के पास खड़ो, सामने नदी नदी है कि समुद्र बना दी। अच्छा, जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनके लिए तो उनको डर लगना चाहिए। अगर स्पेशली आपको तैरना नहीं आता है तो आपको डर लगेगा कि अगर एक गाड़ी गिर जाती है तो आप गए। तैरना भी आता हो, कोई नहीं बच सकते, उसके लिए तो बहुत अच्छा स्विमर कोई होना चाहिए। कहाँ तुम स्विम करोगे, कोई लैंड ही नहीं है। यार, लकड़ी रुकनी पड़ी है, गिर गए तो आपके फटा में लकड़ी पकड़ ली, कितनी देर आप जैसे लोग तो वहाँ पे जाएंगे नीचे, सीधा नीचे। स्लीपर भी है इसमें सोने, अच्छा वो है ना, क्योंकि एक पूरी रात भी तो होती है इसके अंदर ही, आपने सुबह गई तो अगले दिन तो सोने का भी है ना। ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज बड़ी गाड़ी है, मुझे लग रहा था ये हिल्स की होगी, नैरो गेज की। पर ये बहुत डरा रही है पानी में, इनको पीछे भी साइडों में कुछ बनाना चाहिए था, रेलिंग वेलिंग या कुछ सेफ्टी के लिए। अगर सारे लोग एक साइड बैठ जाए तो टिल्ट भी तो हो सकती है। ये पता नहीं ये लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते हैं क्या, जैसे मैं कुछ नहीं करना और उनको बड़ी खुशी हो रही है। और सिर्फ लकड़ी से ऐसा बना रहा है, कोई इतना नहीं है, लकड़ियों को बन के पैसे लग रहा है। बना कब था ये पता चले, पुराना है कि नया है? पुराना तो और भी डर लगेगा। ये देखा सीढ़ियां भी है साथ में साइड में, यहाँ पे थोड़ा बचाव आ गया कि लैंड में जा गया पहले, फिर भी डरा लैंड से, फिर थोड़ा धक्का खा के गया। मुझे तो बहुत गंदे गंदे मतलब ख्यालात आएंगे अगर मैं इस गाड़ी ट्रेन में बैठी, ऐसे जैसे ये रेलिंग टाइप है ना, ऐसे कुछ और स्ट्रॉन्गर बनानी चाहिए। पहुँच गए मेरे ख्याल से, यहाँ तो अब ठीक है, ये जगह ठीक है, आस पास जमीन हो, जमीन सीख लेते उसके बाद जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा, पहुंच गए थैंक गॉड सही सलामत। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे काफी शांत एरिया लग रहा है, ज्यादा रश नहीं है, वो भी अच्छा। ट्रेन में ज्यादा रश हो तो और भी डर। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं स्पेन का पहला हॉल्ट रामनाथपुरम, और यहाँ स्पेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। कैसी लगी आप सभी को पंबन ब्रिज? हर रेल फैन का ना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है पंबन ब्रिज को कवर करना, और वो फाइनली हमने कर लिया। मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ वो मैं ही समझ सकता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मज़ा आ गया यार, मत पूछो। ये तो दिलवाले दुल्हनिया जैसे सीन है, सब ट्रेन चलती रही, मैं चढ़ रहे हैं। जैसे ट्रेन में जाने का अपना ही मजा है। So guys, तो इस जर्नी में भी चाहने वाले मिले अपने सब्सक्राइबर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तरुण जीन है। कहाँ से आप? मैं तो बैंगलोर में हूँ, यहाँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ रामेश्वरम फैमिली के साथ। अच्छा, तो बैंगलोर जा रहा हूँ, इस बस छुट्टी था तो फैमिली का थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो गया। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो बहुत बढ़िया लगता है इनका, मैं हर एक ब्लॉग देखा है। अभी रिसेंटली कोविड में मैंने पूरा जानकारी दिया कि ट्रेन सारी कितने ट्रेन नहीं आ रहे हैं। अभी हुआ क्या कि हम बैठे हुए थे, इन्हीं के बर्थ के बगल में मेरा बर्थ है,
लेकिन बहुत ऐसे ये देख रहे थे, जज कर रहे थे। और अभी आके पूछे आप मोनू है क्या, आप चलो मोनू भैया मिलते हैं, बहुत कम है जर्नी कितने तक मुलाकात होती रही है, आज मुलाकात हो गई तो चलो मिल लेते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाउ मच ₹30 30 मिष्टी दही खाएगा ना, दीजिए ना एक और दे दीजिए, लो लो ले लो बाबू ले लो, दे रहे हैं ले लो, खा लो खा लो खा लो। नहीं बच्चा तो कभी भी नहीं खाएगा, नहीं आइसक्रीम तो हाँ यस बनेगा। देखिए चेंज है या नहीं, आइसक्रीम ले सकते हैं, दही कौन खाता बच्चा। खतरनाक वही खतरनाक था मेरे ख्याल से तो। तो गाइस तो अब हम लोग आ चुके हैं मन मदुरई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MNM और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे यहाँ बिल्कुल टाइम से। मन मदुरई जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था 1902 में, फिर इसे रिबिल्ड किया गया 2007 में और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जारी है, अभी हुआ नहीं, अंडर प्रोसेस में है। 5 मिनट का हॉल्ट है, मुझे तो कुछ खाना था, सोचे कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन बहुत आगे जाना पड़ेगा, ट्रेन गई। देखते हैं अगर ट्रेन में फिर पेंट्री कुछ तो है ही, वहीं से लेंगे खाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, जाओगे आगे जरूर, फिर मिलेंगे बेंगलोर में। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय छोटू, मिस्टी नहीं खाई थी याद रखेंगे छोटू, छोटू बाय। आप कितना खुश है कि बंदा मेरे को खाना नहीं पड़ा। अरे वाह ग्रीन जल्दी यहाँ तो मेरे से कोई भी नहीं होता था जो ऐसे ग्रीन झंडी वंडी ट्रेनों में करते हैं यहाँ USA में। यस देखिए इधर 23 हाँ वो है लगेज रखा हुआ है। ठीक है हम यहीं पे रहेंगे, फिर से ले रहे हैं, कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंचा दीजिए। ठीक है फिर से ले रहे हैं, तो लगता बहुत पसंद है। नहीं कुछ ऑर्डर किया था अजी, तो अपना लंच आ गया और हमने ऑर्डर किया लंच वेज राइस, जो मुझे पड़ा 90 का। अगर आप चिकन राइस लीजिएगा तो वो पड़ेगा 140 का और एग राइस पड़ेगा 120 का। राइस और ये सब्जी में आप सोयाबीन का सब्जी है, गाजर नहीं है, और ये पिकल लूची का पिकल। तो टेस्ट करते हैं उसका, बताते हैं कि खाने लाइक है या नहीं। गाइस अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, खा सकते हैं। हम तो वैसे ही खा लेंगे, इंडिया में कुछ भी मिलेगा खा लेंगे, बहुत स्वाद लगेगा क्योंकि हम अपने खाने हाथ का खा करके दुखी हो गए हैं, क्योंकि सिंसियरली हम फूड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। नहीं हमारे खाने तो फ्रेंड्स आया मजा, और जैसे उन्होंने ट्रेन पुराने टाइप से जैसे जा रही है धीरे धीरे कू छुक 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 छुक, आजकल तो ये मेट्रो ट्रेन है और उसमें कहाँ आवाज उस टाइप छुक छुक तो आ नहीं सकती, मुझे तो आ रही थी, मुझे तो आ रही थी। डीजल ट्रेन होती है इलेक्ट्रिक होगी पता नहीं, डीजल लग रही थी तो वैसे ही चल रही थी, आवाज तो आ रही थी छुक 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 जैसे वो चल रहे थे, मुझे तो मजा आया। मेरे मजे को खराब मत करो, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, और खासकर जब वो गांव गूंग से जा रहे थे, पर सच्ची में वो जो दिखाया उन्होंने पानी के बीच में से जा रहे इतनी सी जगह ट्रैक ही बस, कि ट्रेन जितना है ना बस उतना ही है, ना इधर जगह ना उधर जगह, वो था डरावनी एरिया। और मैं तो कह रही हूं अगर मेरा जैसा कोई हो ना तो उस टाइम तक तो वो भगवान जी का नाम ले रहा होगा और कोशिश कर रहा होगा कि बुरे बुरे ख्यालात ना आए कि हाय कहीं अभी ये उलट तो नहीं जाएगी, हाय कुछ हो तो नहीं जाए, आगे बीच में कोई रास्ते में किसी ने पत्थर तो नहीं गलती से रख दिया जिससे वो थोड़ी सी ट्रिप हो जाए, या कोई ज्यादा, मैं तो लोगों को कहूंगी सीधे बैठे रहो उठो भी नहीं, अगर उठे और ट्रेन हिल गई तो नीचे गिर सकते हैं, वही बैठे रहो स्टिल के स्टिल। तो काफी मजेदार था, और जैसे इन्होंने बोला कि वर्ल्ड की सबसे मतलब डेंजरस वो है इलाका, तो कमाल है, ऐसी भी जगहें होती हैं और लोग जाते हैं, अमेजिंग। राइट, काफी अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा लगा देख कर कि खतरनाक रास्ते को, स्पेशली जो लोगों को तैरना नहीं आता उसको ज्यादा डर लगता है उनको,
तो काफी अच्छा लगा, काफी और काफी बहुत ही अच्छी जगह लग रही थी, काम पॉपुलेशन कम थी, लोग शांति से आ रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, सब बढ़िया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो काफी ट्रेन भी खाली थी, ट्रेन भी, और ट्रेन को देख के काफी यादें वापस आती, जैसे छोड़ के जाते हैं आप जहां से चल रहे, तो काफी अच्छा लगेगा। एयरप्लेन में आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप इस स्टेशन में आए हैं और इस स्टेशन को छोड़ते हुए जा रहे हैं, स्पेशली ये लॉन्ग जर्नी वाली है, क्योंकि अब ये जो ब्रॉड गेज है तो लॉन्ग जर्नी वाली है, तो आपको अलग ही फीलिंग आती है कि सामान ले लिया आप छोड़ के जगह को जा रहे हो, पता नहीं कब वापस आते हो, तो काफी मजेदार लग रहा था, वेरी नाइस टू सी, और कितना क्लीन था, सब अच्छा था, वेरी गुड, और स्पेशली वो खतरनाक जो है वो देखने को मिला है, और काफी डेंजर, अगर आप देखें, अगर मान लीजिए मतलब थोड़ा सा भी कोई मतलब जंप करे तो सीधा पानी में जाएगा, इट इज डेंजरस, ऐसी बात नहीं है, और कमाल की बात है कि अभी भी रखा हुआ है, और ये आप टूरिज्म के लिए अच्छा है कि लोग शौक के लिए वहां पे आए, अपने शौक के लिए और देखें वहां जा रहे हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो काफी मजा आया देखकर, और डेफिनेटली जो रेलवे का जो खाना होता है दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, ज्यादा हमारे जमाने में रेलवे अगर आप उसी पैंट्री का ही लेते हैं खाना, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं है, इट वॉज वेरी गुड फूड। तो और जैसे ये मतलब कह रहे थे कि चेक करते हैं, तो ऑफशोर की वहां पर रोज खाते हैं तो लोगों को मैसे लगता होगा, और दूसरी बात मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे ये याद नहीं है कि क्या आप लोग कभी स्टीम इंजन में गए नहीं, मैं तो गया हूँ स्टीम इंजन में कई बार, वो तो याद ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में स्टीम इंजन हुआ करते थे बहुत समय पहले, जब हम लोग मे बी 18, 19, 20 ईयर्स के थे, तो स्टीम इंजन होते थे छोटे शहरों में, जो छोटी ट्रेन होती थी तो स्टीम इंजन होते थे, तो उससे काफी मजा आता था, मगर काफी धुआं था, मुझे पता नहीं आपका एक्सपीरियंस क्या है, आज तो मुझे लगता नहीं है कि आजकल के जमाने में कहीं पर भी आपको स्टीम इंजन मिलेगा, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, मतलब आप बताइए कि आप वाकई स्टीम इंजन में बैठे हैं नहीं बैठे, उसका अपना एक्सपीरियंस है, बट ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आप बहुत रेयर होंगे फ्रेंड्स, और बताना इसमें जाओगे अगर मौका मिलेगा कि नहीं जाओगे, मेरी तरह होगे तो नहीं जाओगे, और अगर उस टाइप के हो जिसको एडवेंचर चाहिए तो जरूर जाओगे, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।